वजह से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल सौराष्ट्र का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें रिकॉर्ड किया गया है, आज भी इसका प्रभाव रहेगा। मैं आप सभी के लिए जानकारी के लिए बताता रहता हूं कि ये साइक्लोन के बारे में हम 15 दिन पहले जेनेसिस का पूर्वानुमान किए थे और 6 तारीख में जब ये डिप्रेशन में परिणत हो गया तब से हम हर 3 घंटे जानकारी दे रहे हैं और इस जानकारी के हिसाब से इसका रैपिड इंटेंसिफिकेशन हुआ 6 तारीख को और 7 तारीख को, और 7 तारीख दोपहर को ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म परिणत हो गया था और 11 तारीख सुबह एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हुआ था और आज सुबह यानी 13th सुबह ये थोड़ा सा वीक होते हुए एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे केंद्रीभूत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी जो हमारा पूर्वानुमान है ये और कुछ घंटे तक नियरली नॉर्थवर्ड डायरेक्शन से गति करेगा और इसके बाद स्पेशली 14th मॉर्निंग से ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करेगा। जब ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करेगा तब 15 तारीख सुबह ये सौराष्ट्र और कच्छ कोस्ट के आसपास होगा और इसकी प्रभाव स्पेशली 14th मॉर्निंग से ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करेगा। जब यह नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट गति करेगा तब 15 तारीख सुबह यह सौराष्ट्र और कच्छ कोस्ट के आसपास होगा और इसकी प्रभाव डायरेक्ट प्रभाव शुरू हो जाएगा। अभी इसके प्रभाव में सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट के पास विंड स्पीड लगभग 50-60 KMPH चल रहा है और धीरे धीरे बढ़ के कल सुबह 65-75 KMPH होगा और जब ये तट को पार करेगा तब इसका विंड स्पीड यानी 15 तारीख को इसका विंड स्पीड 125-135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है और ये सभी डिस्ट्रिक्ट से आपका एक मिनट कच्छ और एडजनिंग सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट्स। और हमारे पूर्वानुमान है कि 15 तारीख शाम के आसपास एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे सौराष्ट्र कच्छ और एडजनिंग पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा बिटवीन मांडवी और कराची और नियर टू जखाव पोर्ट। जब ट्रैक हम दिखा रहे हैं जो कि कच्छ के ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब होता है कि जो राइट साइड पार्ट है जो कि इंडिया के पार्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट्स है और एडजनिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो भी है इसके ऊपर ज़्यादा असर होगा हैवी रेनफॉल से विंड से और स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव से। सो जबकि अभी का विंड स्पीड 150-160 KMPH है जब ये तट के पास पहुंचेगा इसका विंड स्पीड 125-135 KMPH होगा गोस्टिंग टू 150 KMPH यानी स्लाइटली वीकनिंग होगा मगर फिर भी ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार करेगा और इसका डैमेजिंग पोटेंशियल एक्सटेंसिव हो सकता है। मैं पुराना साइक्लोन के साथ कंपेयर करूं मई 2021 में एक साइक्लोन दीव के पास गुजरात तट को हिट किया था विथ ए विंड स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर/आवर। इसकी तुलना में ये जो साइक्लोन विपर्जय है इसका लैंडफॉल टाइम का जो विंड स्पीड और इंटेंसिटी है थोड़ी सी कम रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये विंड जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आप देखेंगे, जो सबसे इनर मोस्ट येलो कलर का जो विंड दिखाई दे रहा है वो 120 किलोमीटर/आवर विंड स्पीड से ज़्यादा है, वो विंड नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में देखने को मिलेगा आज कल और परसों 3 दिन 13, 14 और 15। इसके बाद जो आपको लाइट ग्रीन कलर का विंड दिखाई दे रहा है वो है 90 किलोमीटर से 120 किलोमीटर/आवर और वो विंड स्पीड भी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और इसके आसपास एरिया जो है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। जो वायलेट कलर आप देख रहे हैं वो वायलेट कलर भी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है और जो ग्रे कलर भी आपको दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा विंड स्पीड नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है अगले 3 दिन के लिए। अभी जो चल रहा है 150 से 160 गस्टिंग टू 180 वो धीरे धीरे कम होते हुए 125 से 135 होगा 15 तारीख को गोस्टिंग टू 150 किलोमीटर आवर।
मगर एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेवेंस में भी ऐसे विंड स्पीड रह सकता है आज और कल। मगर कोस्ट की बात करें, आप जैसे दिखाई दे रहे हैं ये जो चित्र में, जो सौराष्ट्र की कोस्ट है स्टार्टिंग विथ पोरबंदर, देवभूमि द्वारका अप टू कच्छ और बीच में जामनगर, राजकोट, मोरबी, ये सभी जिले में विंड स्पीड आज से बढ़ रहा है और कौन सा जिले में कितना विंड स्पीड होगा हम आपको भी बताएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये है आपका विंड वार्निंग। लेफ्ट साइड डायग्राम जो है वो आज की है 13 तारीख के लिए और राइट साइड डायग्राम 14 तारीख का विंड वार्निंग है। सो आज जैसे आप देख रहे हैं विंड स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गोष्ठने से 70 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकता है सौराष्ट्र एंड कच्छ कोस्ट के आसपास। मगर कल 14 तारीख सुबह से यहाँ विंड स्पीड बढ़ेगा और 65 to 75 किलोमीटर आवर, गोस्टिंग टू 85 किलोमीटर आवर हो सकता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग विंड आपका कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ और राजकोट एरिया में हो सकता है। इसके बाद जो येलो विंड आप देख रहे हैं वहाँ भी विंड 50 to 60 km/h हो सकता है जो कवर कर रहा है आपका रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र। नेक्स्ट चलिए, 15 तारीख को जब साइक्लोन और नजदीक हो जाएगा तब विंड स्पीड जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है यानी देवभूमि द्वारका, जामनगर और कच्छ, इसके साथ साथ मोरबी, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल विंड स्पीड रहेगा 125 to 135 किलोमीटर आवर, गोस्टिंग टू 145 किलोमीटर आवर एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल। इसके अलावा जो विंड स्पीड होगा